सर्वे भद्रा पश्य कचिदुख भवे ओम शाति शांति शांति भगवान की सनातन धर्म की स्वस्थ जीवन शांत जीवन निर्विकार जीवन की हमारी मांग है हम कोई रोगी नहीं होना चाहते उसके लिए आपने कुछ आसनों का अभ्यास किया प्राण तो मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है स्वस्थ शरीर हो यद्यपि स्वस्थ शरीर से मृत्यु को पार नहीं किया जा सकता पर स्वस्थ शरीर भी आवश्यक है इसी तरह मन का शांत होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि शांत मन वाले ही मुक्ति का प्रयास करते हैं अभी तो हमारे मन ही शांत नहीं है पर शांत मन वाले मुक्ति प्राप्त करते हैं एक श्लोक प्रायः मैं बोलता हूं दुर्जन सज्जनों भूयात जो किसी कामना में अंधे होकर अच्छा व्यवहार नहीं करते दूसरों के साथ वो दुर्जन है चाहे किसी का धन हरण करें चरित्र हनन करें किसी के अधिकार का हनन करें या और किसी तरह से कष्ट दें दुर्जन होते हैं जो अपनी कामना पूर्ति के लिए नीति मर्यादा सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो उनके लिए उपदेश है दुर्जन सज्जनो भूया दुर्जन सज्जन बने जो सज्जन है सज्जन शांति माप सज्जन लोगों को शांति मिलती हो जरूरी नहीं बहुत सज्जन दुखी हैं बल्कि कभी कभी तो लगता है दुर्जनों से सज्जन ज्यादा दुखी हैं दुर्जन तो अपना मनमानी करते हैं उससे शिकार हुए लोग दुखी हैं सज्जन दुखी है घर का व्यक्ति सज्जन हो तो दुखी समाज में सज्जन दुखी जातियों में सज्जन दुखी आश्रमों में सज्जन दुखी सज्जन दुखी होते हैं तो सज्जनों के चाहिए कि शांति प्राप्त करें सज्जन शांति प्राप्त नुयाद सज्जन शांति पाने की कोशिश करे कई बार घर में माताएं दुखी रहती है और वो सज्जन है सज्जन होना अलग बात है शांत होना अलग बात है सज्जन शांति माप नु शांतो मुचेत बंदे भ्य हो जो शांत है वो बंधन से मुक्ति का उपाय करें बहुत लोग शांत भी हैं पर आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं है जन्म क्या है मृत्यु क्या है मोक्ष क्या है नहीं जानते शांत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पर शरीरांत तो होगा कहाँ जाना पड़ता है मृत्यु के बाद क्या है आत्मा है हम मुक्त हैं अविकारी हैं अलेप है ऐसा कोई अनुभव नहीं है परिस्थितियां अच्छी हैं प्रारब्ध अच्छा है मन अच्छा है तो शांत है इसलिए शांत व्यक्ति को चाहिए मुक्ति प्राप्त करें जो मुक्त है मुक्त च अन्यान अन्य जो मुक्त है वो औरों को मुक्त करें जो बंधे हैं वो कैसे मुक्त करें जो आत्मज्ञानी है वो औरों को आत्मज्ञान प्रदान करें सज्जन होना बिल्कुल अलग बात है और आत्मज्ञानी होना बिल्कुल अलग बात है बहुत लोग बहुत अच्छे हैं कुछ लोग बहुत बुरे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की चिंता नहीं रहती बहुत लोग अपने हर काम को जायज समझते हैं कभी कभी भले लोगों से भी भूल होती है भले लोगों से भूल होने से भला व्यक्ति बुरा नहीं होता चूक गया है बुरे लोगों से कभी कभी अच्छे काम हो जाते हैं कभी कभी देश को समाज को लूटने वाले कभी अच्छे काम में वो ताकत का प्रयोग करते हैं श्रेय मिल जाता है श्रेय मिलता है लड़ने झगड़ने वाले कभी तुम्हारे लूटपाट में लगे लोगों से लड़ जाएं और उनको भगा दें तो तुम उनकी प्रशंसा करोगे दुष्ट लोगों से भी कभी अच्छे काम हो जाते हैं अच्छे लोगों से भी कभी बुरे काम हो जाते हैं लेकिन नेचर बुरे की नेचर अच्छे काम करने से सुधरती नहीं और बुरे लोगों को द्वारा अच्छे काम होने पर जैसे प्रकृति नहीं बदलती कभी कभी अच्छे लोगों से बुरे काम भी हो जाते हैं उससे वो स्थाई बुरे नहीं होते ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे गलती से ये काम हुआ है हम इस रास्ते पर नहीं चलने वाले कभी ये भी हो सकता है कि हम अच्छे काम तो कर बैठे पर दिल के अच्छे नहीं समझ में आ जाए और कभी कभी अच्छे बुरे कामों से भी ऊपर एक चीज है जहां ज्ञानी लोग निवास करते हैं जहां ब्रह्म ज्ञानी मन से पार होकर रहते हैं उस अवस्था में जाना ध्यान का भक्ति का और अध्यात्म का उद्देश्य है वहां थोड़ी देर को भी आना स्थायी न रह पाना कोई बात नहीं थोड़ी देर को भी वहां जाना अच्छी बात है यदि थोड़ी देर को भी अच्छी नींद आती है तो आपका दिन अच्छा रहता है यदि दिन आपका बहुत अच्छा रहता है तो नींद भी अच्छी आती है। यदि दिन में आपने चोरी की बुराई की अच्छे काम नहीं किए या वातावरण ठीक नहीं है तो फिर आपकी नींद भी खराब होगी नींद भी अच्छी नहीं आएगी कभी दिन खराब हो तो नींद खराब होती है कभी नींद खराब हो तो दिन खराब होता है कभी नींद अच्छी हो तो दिन भी अच्छा होता है दिन अच्छा बीते तो रात अच्छी होती है ये एक दूसरे के पूरक है इसी तरह यदि संसार में आप अच्छे हो तो ध्यान में आसानी से जाओगे क्योंकि जब बुरा आदमी नींद में ठीक से नहीं जा सकता तो ध्यान में भी नहीं जा सकता इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न से योगो भवती दुख जो सही खाते हैं सही सोते हैं सही काम करते हैं युक्त उचित खाते हैं युक्त माने उचित सही मात्रा में खाते हैं सही मात्रा में सोते हैं सही जगते हैं सही काम करते हैं वो फिर टेंशन में नहीं रहेंगे वो ध्यान में जा सकते हैं नहीं टेंशन ध्यान में नहीं जाने देगी यद्यपि ध्यान और टेंशन विरोधी है ध्यान में जाओगे तो टेंशन नहीं रहेगी टेंशन रहेगी तो ध्यान में नहीं जाओगे दुखी आदमी निःसंकल्प नहीं, नहीं होते वही चिंतन चलता रहता राग और द्वेष ध्यान में बाधा है आत्मविश्राम में राग और द्वेष बाधा है जिस चीज की आसक्ति होती है वो भी ध्यान में नहीं जाने देगी तुम बैठोगे ध्यान में वही आने लगेगा जिससे राग है और जिससे द्वेष है वह भी आने लगता है जिससे लड़ाई है ध्यान में बैठे वही बातें घूमती रहती कई बार धन के लोभी धन के कमाने में इतनी बिजी है कि नींद नहीं आती वो धन की सोचेंगे कई बार निर्धन व्यक्ति धन की कमी के कारण रात को सो नहीं सकता बेटी की शादी है पैसा नहीं है इलाज कराना है पैसा नहीं है ये काम करना है दुकान खोलना है पैसा नहीं है नौकरी लगती नहीं है तो नींद नहीं आती लगभग ध्यान और नींद दोनों एक समान है नींद में ध्यान में थोड़ा सा फर्क है और ध्यान और नींद के विरोधी भी एक समान है जो नींद के विरोधी हैं, वही ध्यान के विरोधी जो नींद में बाधा डालते हो समझ लेना ये ध्यान में भी डालेंगे कई बार आपको रात नींद नहीं आती किन्हीं कारणों से समझ में आएगा ध्यान भी उन्हीं कारणों से नहीं लगेगा बहुत आसान है ध्यान यदि हम संसार में आशक्त ना हो राग द्वेष ना हो किसी से ज्यादा नफरत ना हो किसी से ज्यादा प्यार ना हो तो नींद में चले जाओगे ध्यान में चले जाओगे पर एक बीच की कड़ी और है संसार से जाएं और ध्यान के पहले बीच में एक अनुभव आते हैं जिनको हम कहते हैं रोशनी भगवान का दर्शन अनेक तरह के रंग शरीर का हल्का होना रोम खिल जाने आंसू प्रेम के आंसू आने लगने हृदय का हृदय कमल का खिल जाना ये इस जगत के और ध्यान के बीच के अंगों जब हम उधर चलेंगे तब कुछ विलक्षणता आएगी सूर्य की धूप आए सूर्य की गर्मी सूर्य का तापमान सूर्य का प्रकाश तेज प्रकाश आए इसके पहले अंधेरा छटना शुरू होता है हम सब जन जाते हैं कि प्रातःकाल हो गई पहले घड़ियां नहीं थी हम गांव के लोग जगते थे कहते थे पौ फटने लगी माने पूर्व की दिशा में थोड़ा थोड़ा सा उजेला सा भसने लगा अंधेरा कम हुआ फिर धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा अभी सूर्य नहीं आया अभी लालिमा भी नहीं आई पर अंधेरा छटने लगा पता चलने लगा सूर्य आने वाला है फिर लालिमा आ गई लाल लाल अस्त होते और उदय होते लाल लाल लगता है पंजाब में लगता है कि नहीं बोलो और किसी देश में सूर्य जब भी जहां उदय होता होगा जहां सूर्य आना होता है पहले अंधेरा छटता है ये हिंदू के यहां कि मुसलमान के यहां हाँ अंधेरा छटने लगता है उजेला होने लगता है लालिमा आने लगती है फिर सूर्य आ जाता है फिर सूर्य आता है उसका तेज फैल जाता है इसी तरह आत्मानुभव के पहले प्रसन्नता का अनुभव रोशनी का अनुभव कलर रंगों का अनुभव शरीर का हल्कापन, अश्रुपात ध्वनिया बादलों की गड़गड़ाहट सिंह गर्जना शंख की ध्वनि चिड़ियों की चहचहाहट बहुत तरह के अनुभव अंदर आते हैं और आगे चलते जाओ तो फिर सूर्य आत्म सूर्य ज्ञानोदय आत्मोदय ब्रह्मोदय ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है और ब्रह्म ज्ञान का उदय हो तो तारे जो रात को उजेले दिखते हैं वो दिन में खो जाते हैं आपको दिन में इस समय तारे दिखते हैं ना पंजाब में दिन में तारे दिखाई देते हैं कहां चले गए जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तब यह प्रकाश प्रकाशित होता है तारों का जब सूर्य का प्रकाश आता है तो तारे फीके पड़ जाते हैं इसी तरह इंद्रियों का देखना कानों का सुनना नाक का सूंघना खत्म नहीं होता खत्म होता है नींद में नींद में भी देखना सुनना खत्म होता है समाधि में भी देखना सुनना खत्म होता है यद्यपि अभी वो हमें अनुभव नहीं है कि ऐसी घनी रात जहां तारे भी मालूम न पड़े जब बादल होते हैं ऐसा कोई घनी रात होती है तब भी तारे पता नहीं चलते घने अंधेरे में तारों का पता न चलना नींद है अतिब्र प्रकाश में तारे छिपने लगते हैं प्रकाश आता जाता है तारे छिपते जाते हैं अब दिन में तारे नहीं दिखते लोग कई बार गुंडों को कहते हैं हम दिन में तारे दिखा देंगे ऐसी मरम्मत करेंगे कि दिन में तारे नजर आ जाए आप जानते हो ये इंद्रियों का ज्ञान देखना सुनना ये विषय विशे और विषयों का अनुभव तब होता है जब आत्मज्ञान का उदय नहीं होता जब आत्मज्ञान उदय होता है तो रूप खो जाता है शब्द खो जाते हैं गंध खो जाती है विषय खो जाते हैं इंद्रियां खो जाती हैं, और उस समय एक चैतन्य सूर्य का ही ज्ञान रह जाता है एक क्षण ऐसा आना चाहिए रोज रात होती है रोज दिन होते हैं रोज होते हैं होने को नहीं रोकना पर दिन भी तो होवे रात ही रात होती है अभी हम लोगों के जीवन में रात ही रात है दुनिया दिखती है इंद्रियों का प्रकाश होता है और ये भी खो जाता है बिना आत्मा के प्रकाश के माने दो तरह की हमारी रात होती है एक ऐसी रात जिसमें हमें कुछ दिखने सुनने लगता है एक ऐसी रात जहां दिखना बंद हो जाता गहरी नींद माने नींद ही की हमारे यहां तीन अवस्थाएं एक ये नींद है जहां इंद्रियां प्रकाशित होती है आत्मा तो नहीं इंद्रियां प्रकाशित है जगत प्रकाशित है एक वो नींद कि ये इंद्रियां तो नहीं टिमटिमाती पर हमारा मन का चंद्रमा का प्रकाश कई बार चंद्रमा के तेज प्रकाश में भी कभी कभी छोटे छोटे तारे कम देखते हैं फीके पड़ते हैं तो जब हम स्वप्न में जाते हैं तो ये इंद्रियां सो जाती है तब मन का प्रकाश होता है और हम सपने देखते हैं एक और आगे जाते हैं तो मन भी सो जाता है गहरी नींद होती है कहा न जगत प्रकाशित होता है न स्वप्न प्रकाशित होते हैं वहां गहरी नींद है हम अभी तक तीनों अवस्थाओं में नींद में ही है अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं अनादि काल से बहुत योनियों में फिरते हुए सूर्योदय नहीं हुआ बहुत जन्म बिछड़े ते माधव हम जन्मों जन्मों से परम सूर्य माधव से परमात्मा से बिछुड़े रहे हैं यह जन्म वो जन्म तुम्हारे लेखे यह जन्म परमात्मा के लिए है पर बड़ी मुश्किल में समा जाता है एक एक इंद्रिय का आकर्षण इतना पकड़ता है कि परमात्मा भूल जाता है कभी कभी तो ज्ञानियों के मन को भी विषय हर लेते हैं ज्ञानियों के चित्त को भी संसार खींच लेता है अज्ञानियों को तो कहने क्या है कभी कभी अज्ञानी के मन को कम हरते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर सच्ची लगन परमात्मा की तरफ होती है तो नहीं हरते कई बार संसार की इच्छा के कारण ही संसार की इच्छा छूट जाती है कई बार जिन्हें बहुत कमाने की इच्छा है पत्नी को देश में छोड़े विदेश में है अपने परिवार को छोड़े विदेश में एक इच्छा प्रबल होती है तो दूसरी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे जिनकी इच्छा मोक्ष की होती है भोग की इच्छा कम हो जाती है इच्छा प्रबल होनी चाहिए यही बड़ी मुश्किल है इच्छा ही नहीं चेंज होती नहीं तो तुम्हारे लिए जो इच्छा होगी वही आसान हो जाए सारा दारो मदार तुम्हारी इच्छा पर है यदि इच्छा तुम्हारी सचमुच कल्याण की हो जाए तो अपने आप मन बदलना शुरू हो जाए कभी कभी मैंने अनुभव किया कि जब मैं संसार की चाहे देश की समाज की भी इच्छा करता हूं तो एक टेंशन आती है समाज के शिष्यों के भले के लिए जब सोचता हूं तो टेंशन आती है और जब वो भी इच्छा छोड़ देता हूं तो मुक्त तो हो जाता क्योंकि संत के तो एक ही इच्छा रह जाती है इच्छा दुखदाई है चाहे संत की हो चाहे असंत की इच्छा हमको कहीं ना कहीं लगाती है कहीं से बचाती है एक इच्छा दूसरी से बचा देती है यदि किसी से नफरत हो जाए तो उसके प्रति काम नहीं रहेगा काम भी काम भी नफरत से दब जाता है जिससे नफरत हो जाए उसके प्रति प्यार नहीं है, जिसके प्रति प्यार हो नफरत नहीं हो पाती चाहे हम तर जाएं चाहे मर जाएं, बड़ा मुश्किल है जिनका संसार से प्यार है भगवान से नहीं हो पाता पर ज्ञानी जन क्या कहते हैं प्यार करने की प्रवृत्ति तो है ना वो प्यार को मोड़ दो बस तर जाओगे जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरी पर हो चले जाओ बैकुंठ को बहा न पकड़े को आपकी लगन तो है प्यार तो है वो इधर से है वो क्या बोलते हो पंजाबी में रबनू की पाऊ ना इतो पुटके तो लाऊं। मुझे पंजाबी आती नहीं बुल्ले रवनू की हाँ बुल्ले रवनू की पावना इतो घुटके जैसे धान लगाते हैं या तो वो भी देते इधर से पौधा उखाड़ के इधर लगाना है आपका लगाओ इधर है इधर कर देना है इतना ही है बस बिल्कुल कठिनाई नहीं पर लगाव इधर से नहीं हटता अभी ना हटे पर थोड़ी देर को तो हो कभी पानी पीते हो कभी रोटी खाते हो जब खूब प्यास लगती है तब तो आप भोजन मांगते हो क्या पानी मांगते हो जरूरत चेंज होती है अरे कुछ देर संसार के काम किए कुछ देर तो सोते हो कि नहीं संसार के काम करने वाले नहीं सोते बोलो सोते तो संसार के काम करने वाले ध्यान में क्यों नहीं जा सकते टाइम टेबल बना लो ये दुकान का टाइम है आप दुकान समय पे जाते हो कि रात भर रहते हो कि दिन भर रहते हो समय पे जाते हो ना तो यदि दुकान समय पे जाते हो घर समय पे आते हो तो यहां भी नियम बना ले कि इतनी देर हम संसार में रहेंगे इतनी देर हम राम में रहेंगे भगवान में रहेंगे सब सुखदाता राम है दूसर ना ही कह नानक आखिर जिसके स्मरण से गति होती है तय सुमिरत गत हो उस परमात्मा का स्मरण करो पहले नाम का स्मरण करो फिर उसकी पहचान करो फर्क यह है कि जब हम घड़ी कहते हैं तो घड़ी शब्द कहते आपको घड़ी का ध्यान जाता है घड़ा कह दें तो घड़े पे ध्यान जाता है मकान कह दें बाथरूम कह दें बाल्टी कह दें नदी कह दें सरोवर कह दें अभी अभी मैंने सरोवर कहा अब मेरे को बताना मत कोई ना कोई सरोवर आपके ख्याल में आ गया होगा मुझे तो अमृतसर साहब का सरोवर ख्याल में आया सरोवर कहते ऐसे कोई नाम जब लोगे तो कोई तो ख्याल आएगा जब भी कोई नाम लेते हो कोई व्यक्ति ख्याल में आता है तो भगवान का नाम लेने से क्या ख्याल आता मैं छोटा था इस रास्ते पर लगा तो मैं मां से कहता था भजन किया करो तो कहती क्या करूं काम इतना है भजन के लिए टाइम नहीं बचता मैंने कहा तुम कम काम करो लोग काम करें थोड़ा टाइम निकाल के भजन करो तुम तो क्या करूं मैंने कहा राम राम लिया करो तो राम राम कहने लगी पर मैं तो बच्चा ही था कई बार बच्चे ज्यादा विश्वासी होते हैं तो मैंने राम राम लिया फिर मैं तो रोज पढ़ता था पढ़ते पढ़ते महर्षि दयानंद की किताबें पढ़ी तो लगा राम तो व्यक्ति हैं अवतार हैं राम भगवान तो व्यापक है ओम जपो तो तब मैं ओम ओम खुद करने लगा तो माँ को भी बताया ओम करो जैसे मैं बदलता गया तैसे माता जी को बदलने की कोशिश की ठिकाना मेरे ही कोई नहीं था मैं तो चला था इस रास्ते पर तो माँ फिर ओम ओम करने लगी फिर अनुभव बताएं कि मैं जब राम लेती हूँ तो मुझे एक संसार नजर आता है राम नजर आते लक्ष्मण नजर आते ख्याल में और रामलीला जैसे लोग देखते हैं तो लोग नजर आते परशुराम आते दुनिया नजर आती है पर जब मैं ओम ओम कहती हूं तो कुछ नजर नहीं आता क्योंकि ओम नाम का कोई पेड़ नहीं है पहाड़ नहीं है जमीन नहीं है आसमान नहीं है स्त्री नहीं है पुरुष नहीं है और नाम के तो है तो जब मैं ओम कहती हूं तो ख्याल में कोई शकल नहीं आती और कई बार जो पढ़े भी होंगे ना तो उनको चलो लिपि वाला ओम नजर आएगा एक ओंकार आ जाएगा सनातनियों को ओम की शकल आ जाएगी आर्य समाजियों को दूसरा ओम शकल आएगा सनातनियों को ऐसा ओम आएगा और सिखों को एकोंकार वो दूसरी शकल में आएगा और आर्य समाज को आ ओम ऐसा नजर आएगा और दक्षिणियों का भी ओम है बंगालियों का भी ओम है लिपि का ओम अलग अलग है यदि लिपि का ध्यान करेंगे तो हर एक ओम की फोटो अलग होगी पर ओम भगवान ओम परमात्मा की याद करेंगे तो बंगालियों का पंजाबियों का आर्य समाजियों का सनातनी को ओम कैसा होगा ये लिपि हमारी है भाषा की कि भगवान इस कलर के हैं या इस आकार के हैं तो भगवान जो है ओम हाँ वो कैसे हैं वो जो एक ओंकार है एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय निर्भव निर्भय मूर्त अजूनी, सैभंग गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच अभी अभी हम ध्यान शुरू करने वाले हैं इसके पहले ये याद करें ये ध्यान में रखें अकाल पुरुष कौन है अकाल मूरत कौन है ये तो इसका समाप्त तो हो जाता है सारी दुनिया पेड़ पहाड़ मिटने वाले अकाल पुरुष मूर्त निरंकार आकार अब निरंकार तो ये आकाश भी है कई लोग इसी को भगवान कहते हैं ये नहीं है भगवान इसको तो पता ही कुछ नहीं परमात्मा चेतन होना चाहिए ज्ञान स्वरूप होना चाहिए बिना अकल वाला परमात्मा हो सकता जिसको कुछ पता ना हो आकाश क्या करेगा किसके पाप का दंड आकाश देगा किसके पुण्य का आशीर्वाद आकाश देगा आकाश को क्या है तो परमात्मा निराकार है परमात्मा अकाल है अकाल मूर्त है अजूनी है जन्मता नहीं है और सब जन्मते हैं देखो मन मन रोज नींद से निकलता है फिर चला जाता है जैसे बीज से अंकुर निकलता है फिर लौट करके वृक्ष अंकुर में समा जाता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है पर अंकुर में पुनः अंकुर पुनः बीज में चला जाता है फिर बीज से निकलता है। एक जगह है जहां से पौधा निकलता है और पौधा बीज में समा के फिर बीज रूप रह जाता है वो पेड़ जो दिखता है वो तो जल गया खत्म हो गया मिट्टी में मिल गया असल में पेड़ मिट्टी में जो दिखा वो तो मिल गया पर असल में पेड़ तो बीज में समा गया वो मरा ही नहीं लेकिन फिर भी ये मर सकता है इसको अक्षर बोलते हैं नहीं भी मिटता मिट भी सकता है एक है जो मिटता ही मिटता है एक है जो मिटता लगने पर भी नहीं मिटता और एक है जो कभी नहीं मिटता एक मिटता नहीं पर मिट सकता है बीज बीज मिटता नहीं है जमीन में पड़ा रहेगा पेड़ दे जाएगा पेड़ फिर बीज में आ जाएगा बीज अक्षर है बीज मिटता नहीं फिर भी मिटाया जा सकता है अपने आप बीज नहीं मिटता पर मिटाया जा सकता है और वृक्ष अपने आप मिट जाता है जगत मिटता है अक्षर बीज नहीं मिटता बीज मिटाना है बीज मिटाएंगे तो जन्म मरण मिट जाएगा और बीज मिटता है परमात्मा के जानने से परमात्मा का विज्ञान ही बीज का नाश कर देता है अर्थात कारण को खत्म कर देता है कार्य की उत्पत्ति रोक देता है मेरा जो जन्म मरण का कारण है परमात्मा की विस्मृति है परमात्मा को भूल जाना है तो आज भी हम नाम के साथ साधना करेंगे और फिर दूसरी करेंगे आज भी आंख बंद करें अभी नवे गुरु जी के अनुसार सब सुखदाता राम है दूसर नाइन को कहना नक भज भजमना तय सुमिरत कर उसका स्मरण कर आंख बंद करें अभी शक्ल कोई नहीं लाए राम क्या है हम बताएंगे पर अभी नाम सुमिरन करें आंख बंद करें रीढ़ सीधी करें श्वास धीरे धीरे लंबी लें, दो तरह से चाहे देर तक रा बिना आवाज के देर तक श्वास लें मां से छोड़ें या राम 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 छोटा छोटा राम 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 से श्वास लें और राम राम से छोड़ें ये तुम सुविधा अनुसार करें आपके गुरु मंत्र अलग हों तो बाद में हम बता देंगे कि आप उस मंत्र का जाप कैसे करो समूह में एक ही मंत्र का आज भी जाप करें घर के लिए हम बताएंगे जो मंत्र आपका है वही जपेंगे लेकिन अभी थोड़ा सुझाव से मदद मिलेगी आप सच्चे मन से पुकारो भगवान को नाम लो भगवान का यद्यपि भगवान आकार भी धारण करते हैं धन्ना भगत को भगवान ने दर्शन दे दिए भोग लगा लिया और ये आ, सिख पंथ के व्यास की शब्द हैं कि भगवान ने भोग लगाया और गोपाल जी का आरता भी हुआ आप अभी भगवान का आकार ख्याल में आ जाए तो घबराए नहीं बहुत आनंदित हो आकार ख्याल में ना आए तो निराकार तो है ही निराकार तो लाना ही नहीं तुम्हारे पीछे बैठे ही हैं तुम्हारे मन के पीछे इसलिए रा मा, रा मा, या राम, राम 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 जैसे माला होती है ऐसे ही आप राम नाम की मन का श्वास का धागा श्वास के धागे में राम नाम की मन का राम नाम की मन का ये श्वास रूपी धागा भी परमात्मा ने ही चलाया है ये हर मनुष्य के जीवन के प्राणियों के अंदर प्राण के माध्यम से श्वास का धागा परमात्मा ने दिया है और परमात्मा के धागे में परमात्मा का ही नाम पिरो राम 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 राम, राम, राम। राम 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 श्वास अंदर जा रही है अंदर जा रही है पर बिना नाम की नहीं बिना नाम की श्वास नहीं लेना नाम 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 प्रभु का नाम लेते जाओ श्वास लेते जाओ प्रभु का नाम लिए जा लिए जा प्रभु का नाम लिए जा श्वास ग्रास ना बिशरे श्वास के आते में भी राम राम नहीं भूले

जितना जबरदस्ती नहीं बहुत प्रेम से लक्ष्य है प्रेम से लक्ष्य है एकाग्रता से और होश से प्रेम से सुमिरो श्रद्धा से एकाग्रता से सुमिरो और होश से होश है कि नहीं ये ध्यान रखना होश से जब नाम ले रहे थे तो होश में थे सजग थे सुरति जागी थी मेरी सूरत सुहागन जागरी ऐ मेरी सूरत सुहागन जाग सुरति जगाओ शुरत जगाओ जैसी नियत हराम पर ऐसी हरी पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े को। अभी अभी शांति अभी अभी मुक्ति अभी अभी समाधि कल नहीं आज पर प्रेम से नाम ले रहे हो जबान से नहीं लेना हाथ से नहीं लेना बाहर का माला नहीं ये बाहर की माला लकड़ी की है चंदन की है रुद्राक्ष की है प्लास्टिक की है इस और धातु की है लोहे की है भीतर का धागा भी परमात्मा का दिया हो भीतर का धागा श्वास परमात्मा ने चला के भेजा है और ये नाम परमात्मा का इस जबान से नहीं कभी कभी हम छूने का खेल खेलते थे तो कहते थे ये चमड़े के हाथ मत लगाओ ये चमड़े की जबान से मत बोलो ये जो मांस की जबान है इससे भगवान का नाम नहीं लेंगे अभी हम मना नहीं है पर इस मांस की जबान का क्या प्रयोग करना इन हड्डी मांस के हाथों से क्या माला जपना इस लकड़ी की काठ की माला क्या जपना फिर श्वास श्वास में आ ये परमात्मा की दिव्य श्वास प्राण सदा पवित्र है प्राण पाप से विद्ध नहीं होता मन पाप से विद्ध हो जाता है मन को पाप लग जाता है प्राणों को पाप नहीं लगता प्राण सदा पवित्र है निरंजन है माया रही इसलिए श्वास श्वास में हरि को सुमिरे श्वास ग्रास ना बिसरे श्वास आवे तो परमात्मा का नाम श्वास श्वास में श्वास आ रही नाम 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 श्वास रुकी नाम 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 दो विधिया है श्वास आवे और जावे रुके नहीं एक में आते में भी आवे रुके भी और धीरे धीरे लौटे भी बीच में गैप नहीं राम राम से श्वास आई राम राम से भीतर श्वास रुकी रही और राम राम से श्वास निकल गई बार बार दोहराओ एक माला पूरी एक श्वास माने एक माला एक श्वास पूरी हुई राम 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 आने से लगाकर भीतर रुकने से लौटने तक एक माला कितनी संख्या चिंता मत करो नाम को मत गिनो नाम नहीं गिनना रुपए गिने जाते हैं कोई और चीज हो तो गिनती में लेन देन होता है Osionfish. राम नाम की क्या गिनती गुरु महाराज ने तौलते समय तेरा के बाद फिर तेरह ही तेरह तेरा तेरह तेरा तेरह ही तेरह तेरा ही, तेरा, तेरा ही, तेरा, तेरा ही तेरा कोई आगे चौदह कहा ही नहीं तुम शुरू से ही गिनती मत करो बस राम ही राम राम है राम राम ही राम पहले तौलने वाले पहले एक नहीं बोलते थे पहले एक बार तौल के बोलते थे राम है राम राम है राम राम है राम फिर बोलते थे दो है दो दो है दो तीन है तीन तीन है तीन चार है चार चार है चार गुरु महाराज ने पहले राम राम और अंत में फिर तेरा के बाद तेरा ही तेरा ऐसे ही आप शुरू करो राम नाम, राम नाम की माला राम नाम की माला राम नाम की माला राम नाम के मन के श्वास के धागे में सुरति जोड़ दो सुरति जोड़ दो ध्यान लगा दो सजगता चेतना सुरति माने चेतना मेरी सुरती शब्द में लग गई मेरी सुरती सुमिरन में लग गई लेकिन जल्दी नहीं करना एक समय आएगा कि जाप मरे अजपा मरे अनादहू मर जाए सारे नाद खो जाते हैं पहले नाद पैदा हो सुरति जागे फिर सुरती भी न रहे शब्द भी न रहे श्वास भी न रहे हम वहां जाए जहां सब खो जाए लेकिन पहले पैदा तो हो पहले पढ़ाई करें तब तो छोड़ोगे पढ़ाई स्कूल तब छोड़ोगे जब गए हो तलाक कब करोगे जब ब्याह करोगे नहीं तलाक क्या करोगे नशा पीते हो तो छोड़ोगे कुछ बुरा किया है तो छोड़ो जब किया ही नहीं तो छोड़ोगे क्या इसीलिए पहले जपो जाप मर जाए मुई सूरत बाद हंकार वो न हुआ जो देखन हार कोई देख रहा है जाप के समय जाग रहा है जप हो रहा है श्वास आ रही है चेतन जाग रहा है आंखें नहीं कान नहीं हाथ नहीं हाथ तो मर गए हाथों से कोई काम ही नहीं करना हाथ आराम में है जबाना आराम में है ये जो बाणी है जो लोग जानते हैं वाणी ये बैखरी वाणी है ये तो चुप है इससे क्या बोलना इससे तो आम लोग बोलते हैं भीतर से बोलो क्या बोलते हो और भीतर से बोले तो गुरु लोग बोलते हैं बोले सो निहाल यदि भीतर से कोई बोल दे तो निहाल हो जाए। कई बार जबान बोलती भी है पर दिल नहीं बोलता बहुत बार हम कभी कभी साधकों से पूछते हैं तो जबान कुछ कहती है दिल कुछ कहता है कोई बहुत श्वास खींचना नहीं है श्वास आ रही है थोड़ा लंबी हो गई नाम जब चलता गया अंदर चली गई थोड़ा रुक गई नाम जब चलता रहा श्वास रुकी में नाम जब चलता रहा श्वास लौटने लगी नाम जब चलता रहा अब ये जाप न जवान कर रही ना हाथ शरीर नहीं कर रहा यह जाप अंदर शुरती कर रही अंदर चेतना कर रही यद्यपि चेतना में भी प्रकृति का थोड़ा हिस्सा है जो प्रेम से जाप करेंगे श्रद्धा से करेंगे भक्ति से करेंगे उनका काम बन जाए इसलिए राम राम सब को कहे ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर प्रेम के बिना बात नहीं बन सकती सांच कहा सुन ले सबे जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो जिन्होंने प्रेम से सुमिरन किया प्रेम से जाप किया प्रेम से ध्यान किया उन्होंने परमात्मा को पाया खोजो अंदर लौटो अंदर जपो अंदर सुमिरो अंदर जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बोरन खोजन गई रही किनारे बैठ खोजने चले हो और परमात्मा के प्रेम का अंत नहीं होता किनारा नहीं होता डूबना है तो चल गहराई पर डूबना है तो गहराई पर उतर उतर जा उतर जा इस जबान से नहीं इस तन से नहीं इन हाथों से नहीं और अंदर जा श्वास का सहारा ले और गहरे उतर और गहरे उतर श्वास के सहारे उतर जा डूब जा डूबना है तो चल गहराई पर नाधा दरिया भक्ति के प्रेम के कहीं किनारे होते हैं भक्ति और प्रेम का कोई किनारा है सुमिरन का कोई अंत है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात पहले जगा पहले जगा होश को होश से जगा होश को होश से जागा होश को होशियार कर होश होश को होश से जागा होश जागा है कि नहीं होश से जागा होश लगा है कि नहीं होश सुमिरन में है कि नहीं होश से सुमिरन कर होश का ही नाम सुमिरन है नहीं तो जाप कहलाएगा जाप में और सुमिरन में फर्क है हो सकता है जाप बिना होश के भी हो जाए होश कहीं हो जाप हाथ कर ले कर में तो माला फिरे जीव फिरे मुख माये मनुआ तो फिरत है या सुमिरन कछु चुना हाथ में माला जबान में शब्द, मन कही पर यहां तो मन ही लग गया मन ही लग गया उधो मन न भय दश बीस लगा दे लगा दे जो मन पाप में लगा है दुनिया में लगा है सुमिरन में लगा नहीं पछताएगा नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई रे मन से नाम सुमिर नहीं पछताएगा दुखी होगा नरक जाएगा धर्म त्याग करेगा सुमिरन कर सुमिरन कर सुमिरन कर तर जाएगा जन्मों जन्मों के पापों से कट जाएगा छूट पाएगा इरादा तो बना संकल्प तो बना दृढ़ता तो कर वो तैयार हो अंदर से यदि भगवान से जुड़े तो कुछ भी असंभव नहीं है हाथ से नहीं जबान से नहीं ना ना जबान से नहीं हाथ से नहीं माला से नहीं अंदर की माला बना अंदर की माला बना अंदर के अंदर और अंत में एक दो मिनट के लिए और गहरे जा और गहरे जा जहां श्वास भी नहीं पर नाम चल रहा है जहां मन भी नहीं पर नाम चल रहा है केवल सूरत ही जाप कर रही है न जबान है ना आंख हाथ है न पैर ये जाप शरीर से नहीं हो रहा ये जीव कर रहा है जीव जीव नहीं कर रही जीव 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 जाप करे जीवो जपति तत्वता जीव का शुभ जीव शुमीरन करे भगवान का जीव का खुद आकार नहीं है जीव खुद चेतन है अभी शुद्ध नहीं है तो जीव सही चिदाभास सही चेतन तो है जाग तो रहा है संसार से तो लौट गया जो एक बार शरीर में आया इंद्रियों में आया आज सुमिरन में लौट गया श्वास श्वास के सहारे सुमिरन कर जाप कर ध्यान कर भजन कर बहुत अच्छे पांच मिनट और जिसमें तीन मिनट तीव्रता से जाप जाप की गति तेज हो जल्दी 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 जल्द। ना हाथ ना आंखें ना कान ना शरीर केवल स्वास और अंदर तू अंदर तू तू ये नहीं जो बैठा है जब मैं तू कहता हूं तू तू जाप कर तू सुमिरन कर तू माने हाथ नहीं तू माने आंख नहीं तू माने जबान नहीं तू भीतर जाग रहा है वही तू है और ये तू जगता है कभी सोता है कभी सावधान होता है कभी असावधान कभी प्रेम से भर जाता है कभी घृणा कभी उपरांता तू उस अंदर जाग कि इस समय तू प्रेम से सुमिरन कर रहा है ध्यान में है इस समय जाप से प्रीति जाग गई है मेरी सूरत सुहागन जाग गुरु माध्यम से गुरुचरणों के माध्यम से प्रभु के चरणों में लग जा प्रभु का भगत बन जा प्रभु की गोद में बैठ जा तू तो प्रभु की शरण में विलीन हो जा प्रभु में खो जा निराकार निराकार में खो जाए, ज्योति ज्योति रली यह चैतन्य सूरती ज्योति ज्योति में समा गई दो ज्योतियां न रही सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम बर्फ को सूरज की किरण मिली तो जल पहले था किरण मिली फिर जल हो गया यह जीव स्वरूप है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पीछा मन चेतन से निकला है अज्ञानता के कारण ये चेतन से जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे चेतनता के विस्मरण से भीतर के होश की कमी से भीतर ध्यान न रहने से मन बन जाता है ये मन ज्योति रूप है चेतन रूप है ज्योति जो दिखती है वो नहीं ज्योति जो अंदर जाग रही है मानव जाग जाग तू जाग, जाग। तू सुमिरन कर तू जीवन धन्य कर बेड़ा पार कर जन्मों जन्मों के पाप काट, कल भी किलविस जन्म जन्म के किलविस नष्ट हो जाए जन्म जन्म के पाप अभी भोग रहा गड़बड़ करेगा तो आगे भोगेगा बचेगा नहीं यह भी किसी पाप का फल है जो गड़बडियां हैं और करेगा तो और बढ़ेंगी इसलिए अंदर लौट जीवन को धन्य कर जीवन को धन्य कर सुमिर 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 और अब दो मिनट मौन पर मौन में भी अंदर चल रहा है राम कोई जवान नहीं बैखरी भी बंद मध्यमा भी बंद पश्यंती भी बंद पर कोई परावाणी बोल रही है कोई अंतरवाणी बोल रही है कोई ब्रह्मवाणी बोल रही है आत्मवाणी जैसे आत्मा ही जाप कर रही है आप ही फिर आप आप, आप, ही, आप ही का जाप आप ही जाप आप ही आप जैसे आप ही जाप कर रहा है कोई मन नहीं कोई इंद्रिया नहीं कोई जबान नहीं कोई स्वास्थ्य तू जाप कर आत्मा ही बोल रही है राम 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 बिना जबान के बिना हाथ के बिना माला के बिना श्वास के जैसे सब मौन हो गए सब शांत हो गए सब खो गए फिर भी अंतर की आत्मा नहीं मान रही बोल रही है राम, राम, राम। आत्मा बोले तो निहाल हो जाए अंदर से तुम बोलो सत्यवाणी परावाणी ब्रह्मवाणी आत्मवाणी आकाशवाणी शून्य से निकली आवाज आकाश से आवाज ये आवाज जो है शब्द आकाश से पैदा हुआ है तो तुम्हारे अंतराकाश से चिदाकाश से आत्मा काश से ब्रह्मा काश से शब्द निकला राम 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 आत्मा बोल उठी राम मैं बोल उठा राम चेतना बोल उठी राम 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 और अब आधा मिनट विश्राम इसके बाद छुट्टी आधा मिनट विश्राम निष्क्रिय निरंजन निरंजन जहां कोई माया नहीं मल नहीं इंद्रिया नहीं हमें वहां जाना है जहां इंद्रिया नहीं रहती जहां इंद्रिया नहीं पहुंचती जहां मन नहीं पहुंचता मन समेत जही जान न मानी ये इंद्रियां यहीं रह जाती हैं, न नींद में पहुंचे न ध्यान में न समाधि में ये सब यहीं रह जाते छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ निराकार में पहुंच जाओ निरंकार में पहुंच जाओ निरंकार में निवास करो आकार रहित शून्य में चले जाओ शून्य समाधि निरंकार बहुत अच्छे और अब सहज भाव से आराम से जैसे गए हो तैसे लौटो धीरे धीरे श्वास लो नाम लो श्वास लेते नाम लेते धीरे धीरे अपने शरीर में इंद्रियों में आओ फिर बाहर आ जाओ पर ऐसा लगे कि जो मैं भी भीतर था वही तो आंखों में बैठ गया वही तो कानों में आ गया वही तो हाथों में आ गया हाथ छोड़ गया था आंखें छोड़ गया था कान छोड़ गया था बाहर बाहर के स्मरण छोड़ गया गया था अब मैं फिर आ लेकिन मैं तब अभी शरीर को ही मैं मैं समझता था अब समझा कि चेतन जीव आत्मा हूं मैं ही वहां गया अब मैं ही यहां आ गया अब मैं यहां बैठा हूं इस देह में अब मैं बैठा हूं इन आंखों में अब मैं आ गया इन कानों में अब आ गया इन हाथ में आ गया इस शरीर में अब सब काम यहाँ के भी करूंगा दोनों घर मेरे हैं ये काम करने का व्यवहारिक जगत वो ध्यान में, में मेरा परम धाम है मेरा मोक्ष धाम है आत्मधाम है और बीच में स्वप्न लोक है चमत्कार लोक है एक्सपीरियंस लोक है अनुभूति लोक है एक प्रत्यक्ष लोक एक साक्षात अपरोक्ष मेरा स्व और बीच में अनुभूति लोक विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां भिन्न भिन्न प्राणियों को होती हैं अब आप छोड़ दीजिए ओम शांति बहुत अच्छे थोड़ा सा जानने के लिए जाते जाते उत्तर प्रश्न का उत्तर जिनको ध्यान में बहुत दर्द हुआ है बहुत जो ध्यान में बाधा डालता था सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं जिनको दर्द ध्यान में बहुत बाधा डालने लगा माने छोड़ने को मजबूर कर रहा था ऐसे लोग हाथ उठाएं संकोच नहीं करें हाँ संकोच नहीं करें ठीक जिनको थोड़ा मीठा दर्द रहा ध्यान में बाधा नहीं पड़ी मन तो करता था बदले पर फिर भी अच्छा लगने से नहीं बदला सिर्फ वो लोग हाथ उठाएं बहुत अच्छे तीसरे जिनको दर्द नहीं हुआ इतना अच्छा लगा वो हाथ उठाएं बहुत अच्छे अब कल फिर शाम की सभा तो वैसे ही होगी ध्यान की सभा इसी तरह चलेगी ध्यान की ये पहली सभा है ध्यान की सभा को नहीं छोड़ें यदि कोई बहुत ड्यूटी में बाधा नहीं पड़ती तो अपने इष्ट मित्रों को लाएं क्योंकि ध्यान जो सारे सुनने का शार है जो सुनने से भी समझ आने पर भी नहीं बात बनती वो ध्यान में बनेगी और जो ध्यान का अनुभव है वो सुनने में खुलासा होगा दोनों बहुत जरूरी है ध्यान से अनुभव होंगे और प्रवचन से वो खुल जाएंगे ध्यान और प्रवचन दोनों का बड़ा मिश्रण है पहले बच्चे हम पढ़ते थे तो दो लिखने की पट्टी रहे एक जेब में डाले एक से लिख रहे जब ये घिस गई तो दूसरी उठा ली तो जब ध्यान से मन हटे तो स्वाध्याय करो जब स्वाध्याय और प्रवचन से मन हटे तो ध्यान करो बैठ के करो लेट के करो खड़े होके करो क्योंकि शरीर की सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है शरीर उतनी देर हमारा साथ नहीं दे सकता आगे कहाँ जाएगा शरीर तो थोड़े दिन साथ देगा अगले जन्म में भी ये नहीं जाएगा ध्यान में भी ये नहीं जाएगा ध्यान में तो मन भी नहीं जाएगा ये सब छूटते जाते हैं ध्यान में अपने प्रभु के पास केवल तुम जाओगे जीव को हक है ब्रह्म में जाने का और किसी को हक नहीं तो आप ध्यान में आइए ओम शांति शांति शांति